हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज का जो ये वीडियो है, इसके अंदर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स के। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ऑप्टिक्स के, इसके अंदर मैंने क्वेश्चंस जो कंसीडर किए हुए हैं वो किए हुए हैं पोलराइजेशन के, डिफ्रेक्शन के, और कुछ एक क्वेश्चन इंटरफेरेंस के हैं। मैंने लेंस वाले क्वेश्चन नहीं लिए हैं, क्योंकि लेंस वाले क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पहले भी करा चुका हूँ, उनकी खूब मैंने प्रैक्टिस आपको कराई है। इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस भी मैं आपको करा चुका हूँ। डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम अटकते भी हैं एग्जाम के अंदर, तो डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन के क्वेश्चन जो हैं उनके ऊपर ही अटकते हैं। ठीक है, तो कल मैंने आपको क्वेश्चन सेंड कर दिए थे मैकेनिक्स के, उसके पहले क्वांटम के सेंड कर चुका हूँ। अब कल आने वाले कल में मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको मैथमेटिकल फिजिक्स के मैं क्वेश्चन सेंड करूँ। परसों तो आपका एग्जाम ही है, तो वो सेंड करने का मतलब है नहीं। तो कल मैं ये कोशिश करूंगा कि कम से कम दो सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन सेंड कर पाऊँ, एक जिसमें मैथमेटिकल फिजिक्स हो और एक मैं आपको थर्मो के या फिर ऑसिलेशन और वेव्स के क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगा, है ना। जो भी बन पाएगा मेरे से, जो जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे मैं वो सेंड कर दूंगा। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करें, उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, सबसे पहले लाइक ठोक दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और शेयर हो सके, पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें बोला गया है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन इन सेम फेज। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन इन सेम प्लेन, सॉरी प्लेस फेज नहीं है, सेम प्लेन है, सेम प्लेन, देन ई एम वेव कॉल्ड। तो वो ई एम वेव क्या कहलाती है ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह से है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लेन के अंदर, ये प्लेन लेट सपोज ये एक्स है और ये डायरेक्शन है जेड और ये है वाई। तो ये जो प्लेन है इस प्लेन के अंदर दोनों हैं, यहाँ पर वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो दोनों सेम प्लेन के अंदर है। तो जब दोनों सेम प्लेन के अंदर हो, कौन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और जो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, यानी कि ये डायरेक्शन वेव इस तरफ चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, पर दोनों का प्लेन एक है, तो वो जो ई एम वेव है वो कहलाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या कहलाती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिर सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमें पूछा है व्हेन बोथ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट निकल जाते हैं, एक निकल जाता है ई नॉट एक्स कैप और एक निकल जाता है ई नॉट वाई कैप। यहां पर हमें बोला है इसके दोनों कंपोनेंट जो हैं वो रियल हों और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, यानी कि ई नॉट वन बराबर है ई नॉट टू, और उन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाई टू है, प्लस माइनस पाई बाई टू है, तो वो वेव क्या कहलाएगी। तो अगर ये कंडीशन होती है जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दोनों कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है, रियल होता है, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो प्लस माइनस पाई बाई टू होता है, तो वो जो वेव है उसको हम कहते हैं सर्कुलर पोलराइज्ड। क्या कहते हैं? सर्कुलर पोलराइज्ड वेव। यदि इनके बीच का जो मैग्नीट्यूड है, यदि इन दोनों वेव्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ना हो, परंतु जो एंगल है बीच का वो प्लस माइनस पाई बाई टू हो, तो उसको हम कहते हैं एलिप्टिकल एलिप्टिकल पोलराइज्ड वेव। जैसा कि यहाँ पर मैंने पूछा भी आपसे कि वेन कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉट सेम, कॉम्पोनेंट मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पर, वेन मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्पोनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉट सेम बट देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ प्लस माइनस पाई बाई टू, देन वेव इज कॉल्ड। तो उस केस में वो कहलाती है इलेक्ट्रिकल सॉरी इलिप्टिकल पोलराइज वेव। क्या कहलाती है वो? इलिप्टिकल पोलराइज वेव। एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, क्या हो गया, एक मिनट रुको भाई। हाँ, कलर क्यों नहीं आ रहे। हाँ, वो कहलाती है इलेक्ट्रिकल पोलराइज्ड वेव, यानी कि ये ऑप्शन आ जाएगा इसका सी। टोपाज इज अ टाइप ऑफ क्रिस्टल। अब दो तरह के, जब हम डबल डिफ्रेक्शन पढ़ते हैं, डबल पोलराइजेशन पढ़ते हैं, तो डबल पोलराइजेशन के केस में हम दो क्रिस्टल पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं यूनिएक्सियल और एक पढ़ते हैं हम बाई एक्सियल। यूनिएक्सियल के केस में क्या होता है, कोई एक एक्सी एक्सिस होती है जिसमें हमारी जो वेव्स आती हैं उस एक एक्सिस के अबाउट उसका पोलराइजेशन नहीं होता, तो उस क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, जिसमें एक स्पेशल एक्सिस ऐसा होता है उसको हम कहते हैं यूनी एक्सियल क्रिस्टल। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं टोपाज, टर्मोलिन, है ना, और एक और होता है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, सी पे है, अभी मेरे को एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो यूनी एक्सियल इसका जो आंसर, सॉरी टोपाज जो है, टोपाज टोपाज कॉम्पोनेंट
कौन सा हो जाएगा, टोपाज हो जाएगा बाई एक्सियल, है ना, टोपाज कौन सा हो जाएगा बाई एक्सियल, और बाई एक्सियल वो होता है जिसमें कि दोनों ही एक्सिस पर जो पोलराइजेशन नहीं होता उसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, बाई एक्सियल क्रिस्टल कहते हैं। फिर उसके बाद जो हमें पूछा गया है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज अ टाइप ऑफ, तो क्वार्ट्ज कौन सा होता है, यूनी एक्सियल होता है, क्वार्ट्ज कौन सा होता है, यूनी एक्सियल होता है। फिर हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन यूनी एक्सियल क्रिस्टल द रे विच फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, रे विच फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और स्नेल लॉ इज कॉल्ड, मतलब मैंने आपको ये बोला कि एक स्पेशल एक्सेस ऐसा होता है जिस पर कि जो लाइट का पोलराइजेशन नहीं होता, तो उन दो रे आती हैं उनमें से एक रे जो फॉलो कर जाती है रिफ्लेक्शन लॉ या स्नेल का नियम, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्डिनरी रे, और जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ओ रे, और दूसरी वाली जो रे होती है उसको हम नाम देते हैं ई रे, ई का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो जो यूनिएक्सियल क्रिस्टल के अंदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को या स्नेल के नियम को फॉलो कर जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्डिनरी रे, क्या नाम देते हैं, ऑर्डिनरी रे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है, व्हेन टू पोलराइड्स आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट एक्सिस ऑफ द पोलराइड, अब दो जब पोलराइज लाइट को जब हम पोलराइज करते हैं तो एक तो हम उसको पास कराते हैं पोलराइजर से और एक पास कराते हैं एनालाइजर से, है ना, एक तो लगा होता है पोलराइजर और एक लगा होता है एनालाइजर, ये एनालाइजर है, तो यहाँ पर ये एक्सिस होता है, इसके साथ ये एनालाइजर एंगल बना के रखता है, इसके बेस पर हम आंसर निकालते हैं कुछ भी, किन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये जो एक्सिस होता है इस एक्सिस और ये जो एनालाइजर का एक्सिस है इन दोनों के बीच में एंगल होता है। यदि ये पैरेलल हो जाए, पैरेलल होने का मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, तो उस केस में जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, उस केस में जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो व्हेन टू पोलराइज्ड आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट एक्सिस ऑफ द बोथ पोलराइड आर पैरेलल टू ईच अदर द इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि मालूस का नियम लगेगा, मालूस का नियम क्या है, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और जो थीटा है वो किसका एंगल है, पोलराइज एंगल है, तो थीटा जब जीरो हो जाएगा, पैरेलल होंगे तो थीटा जीरो, तो इस केस में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और जब वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे आ जाएंगे यानी कि ऐसे ये आ गया, तो उस केस में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम, तो इंटेंसिटी मिनिमम का मतलब है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो करेक्ट फॉर मालूस लॉ, तो मालूस लॉ के लिए कौन सा लॉ होता है, आई प्रोपोर्शनल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और आई जो है प्रोपोर्शनल का निशान हटाओगे तो आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जहां आई नॉट क्या होता है इंसिडेंट वेव, और आई नॉट क्या होता है जो ट्रांसमिटेड वेव होती है उसकी इंटेंसिटी। नेक्स्ट, अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट पासेस सक्सेसिवली थ्रू टू आइडेंटिकल लीनियर पोलराइजर ए एंड बी, है ना, सच दैट देयर पोलराइजेशन एक्सेस आर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, इनके जो पोलराइजेशन एंगल है वो 45 डिग्री पर है विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 45 डिग्री पर है। इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट विड भी, यानी कि ये इंटेंसिटी बतानी है तो पहले तो इससे पास कराना पड़ेगा और फिर इससे पास कराना पड़ेगा, तो पहले के लिए लगा दो, मान लो यहां से आई आई वन, तो आई वन की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहां से आ रही होगी अगर आई नॉट, तो आई नॉट कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री कितना वैल्यू देगा, 1/√2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा तो वो क्या दे देगा, 1/2, तो ये हो गया आई नॉट बाई टू, फिर ये यहां से पास होगी, तो अब आई टी, अब आई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, आई वन हो गई, तो आई वन कॉस स्क्वायर अगेन 45 डिग्री, तो आई वन की वैल्यू तो आपके पास पहले ही है, कितनी है, वो आई नॉट बाई टू है, और अब यहां पर 1/2 और आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई फोर, तो अब आपके पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, आई नॉट बाई फोर आंसर आ गया, ठीक है। फिर यहां पर आपको पूछा है द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.732, तो यहां पर आपको लगाना है ब्रूस्टर लॉ, तो ब्रूस्टर लॉ म्यू इक्वल्स टू 10 IP, IP मतलब पोलराइजेशन एंगल, तो म्यू की वैल्यू दी है, कितनी दी है, म्यू की वैल्यू है 1.732, और यहां से 10 IP पूछा है, तो 1.732 एक तरह से वैल्यू हो गई रूट तीन की, तो यहां से IP की वैल्यू कितनी हो गई, 10 inverse μ, तो ये आंसर कितना आ गया, ये आंसर आ गया 60 degree, ठीक है, कौन सा आंसर आ गया, 60 degree आ गया। द वेव्स विच कैन नॉट बी पोलराइज्ड, ऐसी वेव जो पोलराइज नहीं हो सकती वो कौन सी होती है, साउंड वेव, हाँ आप ध्यान आ गया, कैल्साइट क्रिस्टल, है ना, ये भी कौन सा होता है, यूनिएक्सियल होता है, कैल्साइट क्रिस्टल कौन सा होता है, यूनिएक्सियल।
इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न फॉर अ सिंगल विड्थ ई स्लिट विड्थ ई एंड वेवलेंथ लैम्डा. वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा है. द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा. तो एंगुलर सेपरेशन के लिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है लैम्डा ओवर ई, और अगर थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा. तो उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लैम्डा ओवर. तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा. यहां पर पूछा है सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन अरेंजमेंट इज कंप्लीटली इमर्स्ड. इन वाटर. तो भाई फ्रिंज सिस्टम पर क्या फर्क पड़ेगा? तो सिंगल सेट एक्सपेरिमेंट है, तो अगर अरेंजमेंट को आप सम इमर्स करा दोगे वाटर के अंदर, तो देखो साइन थीटा ई साइन थीटा इक्वल्स टू होता है एन लैम्डा. अब वो जब वाटर के अंदर जाएगा यानी कि मीडियम के अंदर जा रहा है, तो मीडियम के अंदर जाएगा तो लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लैम्डा ओवर म्यू, यानी कि लैम्डा डैश की वैल्यू कम हो जाएगी. लैम्डा डैश की वैल्यू कम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि जो अब हम ई साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा डैश निकलेंगे लिखेंगे, तो दैट मीन्स कि जो फ्रिंज सिस्टम होगा हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. अब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, सिकुड़ जाएगा वो. यहाँ पूछा है अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट उसकी वेवलेंथ है, दे रखी है हमें लैम्डा इज इक्वल टू 600 nm इज डिफ्रेक्टेड बाय अ सिंगल स्लिट, उसकी जो विड्थ है वो 0.2 mm दे रखी है. ई की वैल्यू हमें गिवन है 0.2 mm, ये ई की वैल्यू है, और जो लाइट की वेवलेंथ है लैम्डा वो है 600 nm. द एंगुलर डिस्पर्शन एंगुलर डाइवर्जेंस ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, तो एंगुलर डाइवर्जेंस थीटा की वैल्यू लैम्डा ओवर ई, ठीक है. तो ये कितना आ गया? 600 nm. nm का मतलब 10⁻⁹ हो गया, और e ये कितना हो गया? 0.2 और इंटू 10⁻³. तो यहां से आंसर आएगा कितना? 3 × 10⁻³ रेडियन. एक तो ये आ गया, पर यहां पर पूछा है एंगुलर डाइवर्जेंस एट द सेंट्रल मैक्सिमा. तो एंगुलर डाइवर्जेंस एंड सेंट्रल मैक्सिमा मतलब इसको 2 times कर देना है, तो 2 times करोगे तो ये कितना हो जाएगा? वापस 6 हो जाएगा. तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 × 10⁻³. If wave of wavelength 5000 armstrong is incident on a grating with 3000 lines per centimeter, 3000 lines per centimeter, आपको मैंने कल भी जब डिफ्रेक्शन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्वेश्चंस कराए थे. तो E plus B बराबर होता है number of lines है ना, number of lines per centimeter, per नहीं ये उल्टा लिख दिया ना मैंने, लाइन लेंथ ऑफ लाइन अपॉन नंबर ऑफ लाइंस. तो ये आपको 3000 लाइंस पर सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि आपको ई प्लस बी की वैल्यू दी है 1/3000, ये सेंटीमीटर में है, आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे. फिर उसके बाद फॉर्मूला जो आप पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? ई प्लस बी साइन थीटा ग्रेटिंग के लिए एन लैम्डा. तो मैक्सिमम के लिए साइन थीटा हो जाएगा 1 है ना, तो यहां से एन मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई प्लस बी अपॉन लैम्डा. अब ई प्लस बी की वैल्यू आपके पास है कितनी है? 3000, 1/3000. लैम्डा की वैल्यू भी आपके पास है, इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपके पास आंसर आएगा 6.67. अब 6.67 किसके पास पहुंच जाएगा? ये आंसर ए हो जाएगा. ग्रेटिंग के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना. ग्रेटिंग के डिफ्रेक्शन के जो क्वेश्चन मैंने कराए ई साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, उस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. इन अ ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम अ लाइन इन द सेकंड ऑर्डर कोइंसाइड्स विद द लाइन कोइंसाइड करे तो उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है एन वन लैम्डा वन और इक्वल्स टू एन टू लैम्डा टू. एन टू लैम्डा टू इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन लैम्डा वन इक्वल्स टू एन प्लस वन लैम्डा टू. तो यहां तो दिया है 2 लैम्डा इक्वल्स टू 3 लैम्डा 1 मान लो, तो हमें लैम्डा 1 निकालना है तो कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा / 3. आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा. रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन ऑफ अ जोन प्लेट, रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन ऑफ अ जोन प्लेट फॉर वेवलेंथ 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड फोकस, और उसका फोकस हमें दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर. तो उसकी रेडियस निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था और ये भी कहा था कि ये इंपॉर्टेंट होगा. तो ये फॉर्मूला क्या था? आर स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा. एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है क्योंकि फर्स्ट है. तो एफ इक्वल्स टू आर 1 स्क्वायर ओवर लैम्डा. वैल्यू किसकी निकालनी है? आर 1 की. तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट एफ लैम्डा. जो भी वैल्यूज है उनको सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा 0.316 mm. क्या आंसर आ जाएगा? 0.316 mm.
रिजोल्यूशन पावर, रिजोल्यूशन पावर कल मैंने आपको बताया था टेलीस्कोप का और माइक्रोस्कोप का, इनको याद करके चला जाना। और एक और चीज याद कर लेना, डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर और बताया था मैंने टेलीस्कोप में, उसका फॉर्मूला भी जरूर याद कर लेना। तो रिजोल्यूशन पावर ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला क्या था, आरपी इक्वल्स टू डी ओवर 1.22 लैम्डा एरी का फॉर्मूला। तो डी की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.5, लैम्डा कितना गिवन है, 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, यहां पर रख दिया, सारी वैल्यू रखेंगे आंसर आएगा हमारे पास 6.83। तो ये आंसर आ गया 6.83 इंटू 10 पावर 5, तो यही आंसर है ऑप्शन ए, है ना। आप देख पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे, और इसी तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ग्रेटिंग के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ग्रेटिंग के क्वेश्चन ढंग से कर जाना। विड्थ ऑफ ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इज 2.5 सेंटीमीटर, विड्थ दे रखिए 2.5 सेंटीमीटर। मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, हमें नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर निकालना है, सो दैट वेवलेंथ ऑफ 5890 एंड 5896 कैन बी रिजॉल्व बाय सेकेंड ऑर्डर। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था। अब देखो लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, ये क्या होती है, ये पावर ऑफ ग्रेटिंग होती है, रिजॉल्विंग पावर होती है। ये किसके बराबर होती है, एन इंटू कैपिटल एन, एन का मतलब हो गया ऑर्डर, जो कि कितना है 2, और ये वाला एन का मतलब क्या हो गया, लाइंस पर सेंटीमीटर। तो यहां से एन की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा ओवर डी एन इंटू एन। ये लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालोगे, दो वेवलेंथ दे रखी है उनका एवरेज पकड़ लो, एवरेज कितना आ गया 5893। डी लैम्डा कैसे निकालोगे, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, क्या आ गया डी लैम्डा। तो यहां से एन की वैल्यू निकाल लोगे, जो भी वैल्यूज है उनको सब्सटीट्यूट करोगे, तो एन की वैल्यू आ गई 492। पर सेंटीमीटर चाहिए, पर सेंटीमीटर में के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो विड्थ दी हुई है उससे डिवाइड कर दोगे। तो विड्थ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, उससे डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा 197। तो आंसर कितना आ जाएगा 197। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको भी पहले कराया था। एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा यहां पर ध्यान देना, यहां पर सिर्फ ये पूछा है आपसे लैम्डा ओवर ए, और वहां पर जो इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था वहां पर 2θ पूछा था, यहां पर पूछा है आपसे लैम्डा ओवर ए। आंसर इसमें वैल्यू रखो, आंसर निकल जाएगा, तो दो आंसर आ जाएगा इसका, 2 × 10³, 6 में 3 का भाग लग जाएगा। टू ऑब्जर्व द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, साइज ऑब्जर्व द डिफ्रेक्शन, टू ऑब्जर्व द डिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्स्टेकल का जो साइज है वो वेवलेंथ के ऑर्डर का ही होना चाहिए, शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अ सिंगल स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 6000, द स्लिट विड्थ 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि ई की वैल्यू, ए की वैल्यू, जो भी आपको ठीक लगे वो। द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू दी है, इससे हमें कोई मतलब है नहीं। द एंगुलर पोजिशन ऑफ द 10th मिनिमम रेडिएशन, 10th मिनिमम फॉर्मूला डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, मिनिमम की कंडीशन दी है इसलिए मिनिमम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। एंगुलर पोजिशन पूछा है यानी कि साइन थीटा की वैल्यू, तो एन लैम्डा ओवर डी, एन की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 रखो, लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है, फिर ये डी कौन सा वाला होगा, ये डी होगा ओपनिंग का साइज, जो ओपनिंग का साइज है स्लिट के, ओपनिंग का साइज वो है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 6 × 10⁻³। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वॉज कन्फर्म बाय द पोलराइजेशन, पोलराइजेशन से ट्रांसवर्स नेचर हम कन्फर्म करते हैं। इन द केस ऑफ लीनियरली पोलराइज लाइट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकली फील्ड वैक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर इज वेरिंग पीरियोडिकली विद टाइम, वेरीज पेरियोडिकली विद टाइम, एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रोटेट करता है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को। टू स्लिट्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है विड्थ इन रेशो 81:1, अब जो विड्थ का रेशो होता है वही किसका रेशो होता है, एम्पलीट्यूड का भी रेशो होता है। तो आई वन अपॉन आई टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू, विड्थ हो गई 81/A, तो आई जो है आई, आई प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के, तो आई और विड्थ का रेशो दे रखा है आपको, तो बी वन अपॉन बी टू मतलब विड्थ बराबर आई वन अपॉन आई टू, तो एम्पलीट्यूड का रेशो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई वन अपॉन आई टू, वैल्यू डाल दो 9:1 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन में हमें बोला है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज डी, स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ये स्लिट्स हैं दो, इनके बीच के डिस्टेंस है डी, ठीक है। द स्क्रीन इज एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द स्लिट्स, यहाँ स्क्रीन रखी है, ये स्क्रीन हो गई कैपिटल डी। इफ अ ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड अपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट्स, एक के सामने ब्राइट फ्रिंज बन जाती है ना, तो ये सेंटर हो गया, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है
एक्स जिसको हम लिखते हैं ये कितनी हो गई, डी बाई टू हो गई। एक्स कितनी हो गई, डी बाई टू हो गई। अब हमारे पास जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, पाथ डिफरेंस उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। अब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, स्मॉल डी अपॉन टू, तो स्मॉल डी अपॉन टू ये वैल्यू डाल दी मैंने, तो यहां से जो पाथ डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया, डी स्क्वायर अपॉन टू डी। अब डी स्क्वायर अपॉन टू डी किसके बराबर हो गया, पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस है उसके लिए कितना होता है, वो होता है एन लैम्डा। तो हमें किसकी वैल्यू पूछी, एन की, तो एन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी स्क्वायर अपॉन टू डी लैम्डा, ऑप्शन सी। फिर पूछा है नैरो लाइट और नैरो स्लिट्स ऑफ स्लिट ऑफ विथ 2 mm, 2 mm की विथ दे रखी है, इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 nm। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड, फर्स्ट मिनिमम ऑन द आइदर साइड का मतलब हो गया कि ये पूछ लिया आपसे, है ना, तो सेंट्रल मैक्सिमा की विथ पूछ ली एक तरह से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 lambda d/a। भाई एक्स आप निकालोगे कैसे, करते हो आप इसको, करते हो जो फॉर्मूला लगाते हो आप वो यही तो निकालते हो, लैम्डा डी ओवर ए, तो 2 times हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू डालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.5, है ना, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 0.5 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, इसके जो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स के ये जो क्वेश्चन कराए हैं मैंने, इसमें आपको क्वेश्चन कराए हैं पोलराइजेशन के, डिफ्रेक्शन के, और उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन मैंने इंटरफेरेंस के लिए हैं, लेंस के क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं लिए। जो इंटरफेरेंस है उसके फॉर्मूले आपको फिर भी याद हो जाएंगे, लेंस के फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं एक हद तक, पर जो डिफ्रेक्शन है उसके थोड़े से अटपटे फॉर्मूले होते हैं, इसी तरह से पोलराइजेशन है उसका थोड़ा सा अटपटा होता है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा उसके फॉर्मूले को 1-2 बार ज़्यादा देख लेना। ग्रेटिंग के जो क्वेश्चन है उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसी तरह से जो सिंगल स्लिट वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है डिफ्रेक्शन में उसका फॉर्मूला, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्यूशन पावर है, रिजोल्यूशन लिमिट है, उसके जो फॉर्मूला है वो जरूर देख लेना, उनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब बीच में कल का दिन रह गया है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि कल आपको मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएं, और आप लोगों को कम से कम भी ना तो जो ऑसिलेशन है उसके क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा सकूँ, ऑसिलेशन और वेव्स के, और जिससे मैक्सिमम जो सिलेबस है आपका कवर हो जाए, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे कल सुबह, जो क्लास है मैथमेटिकल फिजिक्स की उसके अंदर हम मिलेंगे, उसके अंदर हम सॉल्व करेंगे कल हम सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स जो नंबर है उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स आप कर लोगे, वेक्टर मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, तो कॉम्प्लेक्स हम पकड़ेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तुम कर लोगे, उसमें इतना लफड़ा नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा नाटक होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है भाई। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं हम कल, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।